नमस्ते ब्रजाचारी वीडियो, आपका स्वागत है। आज आपको ऐसे बैकग्राउंड में लेके आया हूँ भाई, जगह देख सकते हो, मैं जंगल में हूँ आज। ऐसी जगह लेके आऊँ भाई, हमारे ग्वालियर जिले के अंदर इतनी फेमस जगह, इतनी फेमस जगह। एक ग्वालियर जिले के अंदर भाई टपकेश्वर धाम है, जो तिगरा डैम के पास तरफ है। एक अपने को इधर दिखाता हूँ आपको, इस तरफ कैसा क्या कैसी क्या जगह नहीं है, आपको लोकेशन बताऊंगा वहाँ पे पहुँच के। एक बार आप बने रहे वीडियो के अंदर, आपको दिखाऊंगा पूरी पूरा भाई, मेरे पीछे पूरा जंगल ही जंगल है, पूरे जंगल के बीच में खड़ा हुआ हूँ। दिखाता हूँ मैं, कैमरामैन से कैमरा लेता हूँ भाई। यहाँ से ये हमारी टू व्हीलर है भाई, ठीक है। देखो यहाँ पे टू व्हीलर भी खड़ी हुई है, पानी भरा था भाई बहुत। यहाँ पे अगर कार से मत आना भाई, अगर कार से आते हो तो यहाँ कार से मत आना, चलते हैं भाई इस पानी से निकालते हैं। रस्ते आप लोग कैसे हैं कैसे नहीं है, देखो हमारा ड्राइवर एक्सपर्ट है। अरे भैया री गो देख सकते हो रस्ते आप लोग एक बार। ए यार आप लोगों के लिए कैसे कैसे वीडियो लाने पड़ते हैं, सब्सक्राइब कर लेना ऐसी चीजों के। देखो रस्ते, ये देखो। अरे भैया अपाचे क्या करेगी तू, यहाँ तो 4x4 क्या 8x8 भी फेल हो जाएगी, जगह ही नहीं है। अरे थार कहाँ गई, यहाँ 4x4 क्या 8x8 फेल हो जाएगी, रास्ता ही नहीं बचा। और ऐसी भाई हमारी अपाचे कैपेबल है, देख सकते हैं एक बार आप। पहुंच चुके हैं यहाँ पे, आपको आवाज भी दिखा रहा हूँ कितना जंगल है भाई यहाँ पे, है ना भाई। जगह बहुत शानदार है, देख सकते हो पूरा पहाड़ी पहाड़ी इलाका है, देख सकते हो। पैदल मैं क्यों आ गया भाई, इसके सैनिटरी को शॉर्ट बनाने के लिए, ओनली इसके सैनिटरी को। जूते दिखा रहा है, क्यों रहा है जूते व्यूअर्स को, जूते दिखा रहा है तुम्हें। ये देख सकते हो झरना सा आ चुके हैं भाई हम लोग, बहुत शानदार जगह, बहुत शानदार। आपको झरने पहुंच के आपको दिखाता हूँ कि जगह कौन सी है कौन सी नहीं, बहुत बड़ा झरना है भाई और बहुत शानदार जगह है। चलो पहुंचते हैं वहां पे, फिर दिखाता हूँ आपको। चुके हैं भाई इस जगह पे जहां हमको जाना था, वहां पे देख सकते हो जंगल ही जंगल, यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा भाई, कैसे जाऊं। अरे भगवान, ओ तेरी, देख कैसे जाना पड़ता है भाई यहाँ से। ये देखो जंगल ही जंगल, इधर से जाना, इधर से जाना जाना शायद, जहाँ पे आपको लेके आया हूँ मैं। रानी का तालाब है भाई, अब देता हूँ मैं इसकी लोकेशन। आप ग्वालियर जिले में रानी घाटी सर्च करना कहीं पर, रानी घाटी के पास में एक गांव है रिठोनन करैया, वहां से आप आओ, रिठोनन की और करैया के बीच में झरना मिलेगा आपको। आप किसी आप मरुआ बाजना पूछ लोगे ना किसी गांव से, मरुआ बाजना रखो उसी के नीचे उतरोगे रानी घाटी, मरुआ बाजना है वहां पे आके आपको लोकेशन मिलेगी। कभी भी आना भाई, अगर ये लोकेशन आप ग्वालियर से हो, इंस्टाग्राम के भाई आईडी छोड़ दूंगा, कभी भी कॉन्टेक्ट कर लेना भाई, मैं लेके आ जाऊंगा यहाँ पे। और ये भाई लेके आए अपने को, तो ये चीज़ है भाई। पहुँचते हैं कुंड सा है भाई, रानी बाग का कुंड बोलते हैं इसको, है ना। अब उधर पहुँचते भाई संभल के जाना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है चलते हैं, मैं बंद करता हूँ। टॉप पे आ गए, टॉप पे बिल्कुल पहाड़ के बीच में हूँ, नज़ारा देखना एक बार क्या शानदार है, देख सकते हो वहाँ से पानी आता है, देख सकते हो। बहुत ज़्यादा थक गया लेकिन, सब्सक्राइब कर लेना यार ऐसे चीज़ के लिए, दिखाऊंगा देखो बहुत शानदार, दूर दूर तक दिखाता हूँ आपको। बहुत शानदार चीज़ है कि नहीं। यहाँ से गिरता है पानी, ठीक है। और ये देख सकते हो पूरा दृश्य, ऊपर भी दिखा देंगे
देखो यहाँ से पानी वगैरह बहुत सी चीजें। ग्वालियर जिले में रानी घाटी नाम सुन लेना कभी भी, घाटी गांव, रानी घाटी आप अगर हो बगल से तो वहाँ पे आके रठौरन गांव है, रठौरन गांव के पास में ही अपना, बहुत शानदार है भाई ये, बहुत शानदार है। देखो नहाने जा रहा है नाला एक, ठीक है, और हम भी नहाएंगे जब आपको बताएंगे ये नहाने गया है। नहा लिए भाई यहाँ से हम लोग और चलते हैं अपने घर पे। बहुत बैसी जगह है देखो यहाँ पे, भैया नहा लिए, ये नहा लिए, वहाँ पे नहाते हैं, इधर नहा लिए, आपने झरना दिखाई दिया था हमने आपको। चल चल आगे चल, यहाँ पे हम लोग नहाए धोए आराम से, इतना मजे किया यहाँ पे जगह, आपको पता ही, रानी घाटी के बगल में हम लोग चलते हैं अपने घर पे। क्या नज़ारे हैं यहाँ पे, बहुत शानदार सी चीज़ें हैं। बस चले चलते हैं अपने घर पे। ये कुंड था यहाँ पे, नहाया उधर, नहाया देख सकते हो उधर नहाया इस तरफ, बहुत शानदार सी जगह है ना, बहुत शानदार जगह है भाई, बहुत शानदार। नहा लिया धो लिया, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, नहीं आई पसंद डिसलाइक करके जाना। तो शिव सुन, एक भाई तो जा रहा है, वो जा रहा था, सन सनाता हुआ, ठीक है बाय टेक केयर, चलो मिलते हैं भाई बाद में, ठीक है, थैंक यू सो मच। सीट पर लगा चलें और ट्यूबलर चला के भी हेलमेट चलाएं, हेलमेट लगाएं तो ट्यूबलर चला के चलाएं, ठीक है बाय बाय। बोल के आ रहा हूँ यार इन पहाड़ों में, देखो